सबका स्वागत है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप का नाम है महागौरी, जिनकी उपासना नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। ये वही महागौरी है जिनकी पूजा माता सीता ने भगवान श्री राम जी की प्राप्ति के लिए की थी। तो उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। नव दुर्गाओं में से एक स्वरूप का नाम महागौरी है, जिनकी 8वें दिन पूजा की जाती है। इन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया और इन पर कृपा की। भगवान शिव की कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया, तभी से ही इनका नाम महागौरी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि विवाह संबंधी बाधाओं में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। यदि आप पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। यदि आप महिला हैं तो पीले वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी के मन में यदि विवाह की इच्छा हो और बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो माँ की कृपा से मनचाहा विवाह जल्दी हो जाता है और शुक्र संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि में जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते, वो लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन यानी आज व्रत रखते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि को यानी आज ही के दिन कन्या पूजन के साथ ही अपने व्रत का समापन कर देते हैं, जबकि व्रत नवमी तक रखने का विधान है। क्योंकि माँ के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है, जिनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है और उसी दिन अपने भक्तों को वो सिद्धियां प्रदान करती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। निजी व्यस्तता के कारण मुझे वीडियो एडिट करने का समय नहीं मिल पाया, तो वीडियो आप लोगों का थोड़ा लेट आ रहा है। नवरात्रि का यह वीडियो आप लोगों तक लेट पहुंच रहा है। जैसे कि मैं पहले के वीडियोज में बता चुकी हूं कि चैत्र नवरात्रि का त्यौहार पहले ही मनाया जा चुका है। आज नहीं तो कल जब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा, तो आप लोगों के मन में आ सकता है कि माता रानी के ज्योत के सामने जो बैठती हैं वो कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो मेरी छोटी बहन है और उन्हीं की वजह से आज मैं YouTube में वीडियोस बना रही हूं। डिटेल में मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन फिर कभी। मेरी सिस्टर वीडियोस में नहीं आना चाहती, लेकिन क्योंकि यह एक सामूहिक प्रोग्राम है इसलिए आ रही हैं। वैसे तो प्रसाद वितरण के समय मैं भी वहाँ होती हूँ ज्योत के पास, लेकिन क्योंकि इस बार मैं वीडियोस बना रही हूँ इसलिए वहाँ नहीं हूँ।
अष्टमी तिथि को मंगलवार पड़ता है तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और 108 राम नाम का जाप होता है, तो आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं और उसका श्रवण भी कर सकते हैं। Oh,
आज हम अष्टमी तिथि यानी महागौरी के विषय में बात कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भी कुछ मंत्र हैं। उनमें से जो सरल मंत्र हैं वो है ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इनका जाप आप लोग भी कर सकते हैं, वैसे हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। अब दुर्गा माता जी की आरती के दर्शन करेंगे। Oh,
अब हमारे सद्गुरुदेव जी की आरती होगी। सद्गुरुदेव जी की आरती के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने के पश्चात अब सभी श्रद्धालु प्रसाद लेंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।